आजा संडास दिखाता हूँ। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मैं तो आया, ये मेरे को बोला। तो यार वीडियो का स्टार्टअप और थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स और उसके बकवास इलॉजिकल सीन्स के बारे में। हाँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर कोई महिला इंडियन टीवी सीरियल देखती है और इस वीडियो को भी देख रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी दिल पे ना ले। जस्ट चिल। तो यारो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, हमारी मम्मी और टीवी सीरियल्स का रिश्ता कुछ ऐसा है। कैसा? जैसे पाकिस्तान का आतंकवाद से, चाइना का कोरोना वायरस से, वरुण धवन का ओवर एक्टिंग से। अरे भाई को बताया नहीं? पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ बिग बॉस ही एक ऐसा शो है जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं होता है। अक्का पब्लिक को मालूम है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर टीवी सीरियल्स पे गई तो मुझे लगता है, अबे क्या लगता है? मुझे लगता है कि टीवी सीरियल भी सब बकवास है, इसमें भी देखने लायक कुछ भी नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि टीवी सीरियल्स में लॉजिक 1% भी नहीं रहता, और रहता है तो ये सड़ेला सा म्यूजिक। तो अगर अभी हम लोग टीवी सीरियल्स की टाइटल्स की ओर गौर फरमाने जाएंगे तो इनके टाइटल्स भी क्या रहते हैं? क्या भाभी जी घर पे हैं? और बड़े अच्छे लगते हैं, इसका रंग सफेद। सुनने में कितना और लगता है। ये टीवी सीरियल्स का टाइटल तो मेरे समझ से ही बाहर है, ये कैसा टाइटल हुआ, भाभी जी घर पे? अरे पूछ रहा है कि बता रहा है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं? इसका रंग सफेद, ये कैसा नाम है? ये मैं पहली बार किसी सीरियल का नाम सुन रहा हूँ इसका रंग सफेद। ये टाइटल पढ़ने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं। तो रहने दो फिर। और तीसरे सीरियल का नाम तो कुछ अजीब ही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सीरियल 2009 से चले आ रहा है लेकिन इन लोग को आज तक पता नहीं चला कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरे और मेरे बीच में बचपन की दोस्ती का रिश्ता है। चुप रहे। तो चलो यारो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि हर टीवी सीरियल्स में एक कॉमन चीज क्या होता है। क्या? आप लोग को हर टीवी सीरियल में एक न एक मोटी औरत देखने को जरूर मिलेगी जी। और यारो टीवी सीरियल्स का ऐसा रहता है कि जिस औरत की जितनी लंबी बिंदी रहती है उतनी खतरनाक औरत रहती है। मैं साबित कर सकता हूँ। कैसा? कौन था? गांड फट गई। और सीरियल्स में दूसरा कॉमन चीज ये रहता है कि धुन तनाना म्यूजिक फिर टीवी सीरियल स्लो मोशन में चलता ही रहेगा, और अगर गलती से सीरियल में किसी नए बंदे ने एंट्री मार दी तो सर से लेके पांव तक दिखाते दिखाते एपिसोड खत्म कर देंगे लेकिन बंदे को नहीं दिखाएंगे। ये बात यहीं तक रहनी चाहिए, खामखा पैनिक फैल जाएगा। ओके। तो चलो यारो अभी हम लोगों ने इनके कॉमन चीजों के बारे में बात कर लिया, अभी हम बात करेंगे इनके ऐसे सीन्स के बारे में जिसमें की एक्टिंग जोगेश्वरी में लॉजिक। आइए देखते हैं मजा आएगा। सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ। तुम इस कंप्यूटर क्लास में क्या कर रहे हो? मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर। जाकर लोहारी या सुतारी सीखो। ये सीन देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। नॉनसेंस। मतलब यार इतना सेंस तो बच्चों को भी रहता है कि लैपटॉप के साथ क्या करना चाहिए, है ना दी? हाँ। लेकिन ये मोहतरमा ने कपड़े और लैपटॉप में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझा, जैसे कपड़ों को साबुन लगा के धोया जाता है वैसे लैपटॉप को भी इन्होंने साबुन लगा के धो दिया। लेकिन मैडम को लैपटॉप साबुन से धोने के बाद भी सुकून नहीं मिला, जैसे रस्सी पे कपड़े को धो के सुखा देते वैसे मैडम ने लैपटॉप को साबुन से धो के सुखा दिया। ये क्या बेहुदा हरकत है? सत्यानाश कर दिया। ये लैपटॉप वाले सीन को तो छोड़ो यार, ये तो काफी वायरल होता है, इसको बहुत लोगों ने रोस्ट किया था, लेकिन जो मैं अभी आप लोगों को अगला सीन दिखाने वाला हूँ ये तो अपने आप में ही रोस्ट हो गया है। ये आली रे आली रे। इस सीन का लॉजिक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। माना इस लड़की की आंखों में कुछ गया और ये बिना देखे आगे बढ़े जा रही है, फिर अचानक से इसका पैर बैग से टकराता है और सर दीवार से टकराता है। सर टकराने के बाद ये ऐसे पोजीशन में गिरती है कि बैग में जाके बरोबर फिट हो जाती है और फिर अचानक से बैग अपने आप बंद भी हो जाता है। ये जो सीन था सर टकराने से लेके बैग में गिरने तक का, इतना परफेक्ट कैलकुलेशन तो सिर्फ यही बंदे कर सकते हैं। डोंट वरी डूड, मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। यारो मुझे तो समझ में नहीं आता ये टीवी सीरियल्स वाले लोग ऐसे सब अल्तू फालतू सीन सोच भी कैसे लेते हैं। कॉल ओवर गद्दार। और ऐसे सब बिना लॉजिक का अल्तू फालतू सीन पब्लिक को दिखा के बेवकूफ बनाने के बाद इनको क्या मिलता होगा? 10 करोड़ रुपए। ओके यार। तो चलिए यार अभी हम लोग बढ़ते अपने तीसरे सीन की ओर जिसमें की ग्रेविटी की ऐसी मां मैंने की गई है कि अगर न्यूटन इस सीन को देख ले तो दोबारा से मर जाएगा। जरा लावा वीडियो। भाई लैंड कराओ। माने रे आसमान।
भाई मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा। अब ये वाला सीन देखने के बाद तो न्यूटन भैया की आत्मा रो रही होगी। माना कि यह लड़की का पैर सटक है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन स्लो मोशन में हवा में राइड क्यों कर रही है? गिरना तो फटाक से नीचे गिर जा यार। ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है? ये ऊपर से नीचे गिर रही है, सब लोग इसको देख रहे हैं और एक आदमी भाग के आता है, इसको कैच भी कर लेता है। तो चलो यार इस लड़की को छोड़ो, इस लड़की को हवा में ही राइड करने। तो हम बढ़ते अगले इलॉजिकल सीन्स की ओर। अब इस मोहतरमा को मैं क्या बोलू, इतनी ओवर एक्टिंग। ये बुढ़िया का एक हल्का सा चमाट नहीं पड़ा कि मोहतरमा पूरा गोल गोल चक्कर काटने लग गई। लेकिन ये गोल गोल घूमने के बाद मैडम ने जो आगे ओवर एक्टिंग की वो तो कुछ कमाल ही है, आप लोग खुद देख लीजिए। हाँ देख रहा हूँ ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब ये क्या था भाई, पहले आती है एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग, बाद में आती है मैडम की एक्टिंग। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? अगर हम लोग ध्यान से देखने जाएंगे तो इस बुढ़िया ने इसको ढंग से चमाट भी नहीं मारता, फिर भी ये गोल गोल घूम के खुद को ही फांसी लगा ली। आपको मजाक लग रहा है? नहीं। ए, इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अरे कैसे क्या दिखे क्या हलकट? ये टीवी सीरियल्स वाले लोग भी सस्पेंस दिखाने के नंबर इतना फ्लैश दिखाते कि लोगों की आंखें खराब हो जाएं। ए बाबा तू कल जाके अपना चश्मे का नंबर ठीक करा ले। और मैंने भी रोस्टिंग वीडियो बनाने के चक्कर में गलती से जब इस सीन को देख लिया था तो मेरी आंखों का हाल भी कुछ ऐसा हो गया था। माना कि यार इन लोग को सस्पेंस दिखाना रहता है, लेकिन इतना फ्लैश क्यों दिखाते? अरे भाई इतना दिवाली में तो लाइटिंग भी नहीं रहता जितना तुम्हारे सीन्स में फ्लैश रहता है ना दी। तो यारो इस वीडियो में इतने सारे ऐसे वैसे इलॉजिकल सीन देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीवी सीरियल में लॉजिक बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ। तो इतना सारा इलॉजिकल सीन दिखाने के बाद भी किसी को लगता है कि टीवी सीरियल वाले लोग अपने सीन में लॉजिक लाएंगे तो ये आप लोग का भरम है भरम। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो यारों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई टीवी सीरियल्स वगैरह देखता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी दिल पे ना ले। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो वीडियो को देखिए और मजे लीजिए। ओके यार। और अगर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद मेरे किसी दोस्त को बुरा लग गया तो सॉरी 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 खत्म टाटा बाय बाय। तो चलो यार वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे दिए हुए लाल बटन को तोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने चाहिए।